चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विद्यार्थियों से साथ साथ इस उपलक्ष्य में कुछ दो बातें बोल सकूं। भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाकर दे तुझको सब सम्मान। लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में नहीं मिला दूजा हिंदुस्तान, दूजा हिंदुस्तान। भारत के संविधान में समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं और संविधान में बनाने के लिए जो परिश्रम, कठिनाई जो हमारे विद्वानों ने दी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हरि सिंह गौर जी, इनके अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान बनाया गया, जिसमें सभी धर्म जाति सबके लिए बराबर का हिस्सेदारी दी गई है और सब इस देश के, भले हम विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, भिन्न संप्रदाय के क्यों ना हो, पर जब ये मौके जब आते हैं, ये जब अवसर आते हैं, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, सब में हम एक हो जाते हैं, भले कितने भी हम संप्रदाय में बटे हो, और यही एक माहौल है जो हमें एक बना देता है। तो मैं, 2 पंक्ति है जो हमारे सैनिक सरहद में रहकर अपने परिवार वालों के लिए कुछ पंक्तियां लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं, खत में वो इस तरीके से लिखते हैं। मैं अपनी माँ के लिए लिखता है, माँ मैं तेरी आंखों का तारा, माँ मैं तेरी आंखों का तारा, कर बैठा हूं तुझसे किनारा, फर्ज तो निभा लिया मैंने इस मिट्टी से, मगर बन ना पाया तेरे बुढ़ापे का सहारा। मैं अपने पिता के लिए लिखता है कि कंधे पर बैठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई है, कि कंधे पर बैठाकर तूने मुझे दुनिया दिखाई है, अब तेरे लिए कुछ करने की बारी मेरी भी तो आई है। तू छाती चौड़ी करके चलना बापू, तेरे बेटे ने पीठ पर नहीं सीने पर गोली खाई है। मैं अपनी बहन के लिए इस तरीके से लिखता है खत में, बहना तेरी डोली उठा ना पाया, तेरे हाथों में चांद तारे सजा ना पाया, बहना तेरी डोली उठा ना पाया, तेरे हाथों में चांद तारे सजा ना पाया, इस मिट्टी का कर्ज था मुझ पे कि राखी का कर्ज फर्ज निभा ना पाया। मैं अपनी पत्नी के लिए, अतिथिगण, संस्था संचालक फादर जी, प्रिंसिपल मैम और सभी गुरुजन, विद्यार्थी एवं पालकगणों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में लोगों के होठों में गंगा और हाथ में तिरंगा रहता है। हम उस देश के नागरिक हैं जो शरणार्थियों के लिए शरण स्थली बनता है। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में एकता अखंडता विद्यमान रहती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से रिपब्लिक की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे मैं हार्दिक अभिनंदन कर देता हूं और बस कुछ पल के लिए अपने आंसू को छुपा लेना, बस कुछ पल के लिए अपने आंसू को छुपा लेना, अपने सारे गिले शिकवे मिटा देना। जब मैं तिरंगे में लिपट कर घर आऊं तो बस एक बार सीने से गले लगा लेना, बस एक बार सीने से गले लगा लेना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर से इस शुभ अवसर के लिए हार्दिक बधाइयां देता हूं और भले हम अभी कई बंदरों में जकड़े हुए हैं,
कई विचारधाराओं में बटे हुए हैं, पर हमें उसके लिए साथ मिलकर ही प्रयास करना होगा ताकि इस देश को और ज्यादा विकसित कर सके। हालांकि हमारे देश ने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनमें से उदाहरण है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, स्वदेशी युद्ध टैंक, स्वदेशी मिसाइलें, सब प्रकार की हमने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, देश को आगे ले जाना है। पर यह मुमकिन तभी होगा कि जब हम इन छोटे बच्चों के अंदर देश के प्रति ईमानदारी, देश के प्रति, देश के कर्तव्यों को पालन करना सिखा सके, जो कि हमारा प्रयास है, जो कि हमारा हम करते रहते हैं प्रयास ताकि बच्चे आने वाले दिनों में एक अच्छे नागरिक बन सके, और आपका पूरा पूरा सहयोग रहता है जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं।